हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, एसओएल ड्यू के अंदर यूजी एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 3 जून से हमारे स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट रखी है एडमिशन फॉर्म फिल करने की 31 अगस्त। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें एसओएल ड्यू की मेन वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाते ही देखिए, आपको टॉप में ऑप्शन मिल जाते हैं, यूजी एडमिशन फॉर्म, पीजी एडमिशन फॉर्म, और साथ ही ऑप्शन मिलता है एमबीए एडमिशन फॉर्म, पीजी डीए डीएलएम एडमिशन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे देखिए, साथ में स्क्रॉल करता सुनता है एडमिशन शेड्यूल 2024-25, जिसमें आपको यूजी एडमिशन, बीएलआईएस एमएलआईएस एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएट और एमबीए एडमिशन जो स्टार्ट हो चुके हैं, 3 जून से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जो लास्ट डेट है अभी एडमिशन फॉर्म फिल करने की, वो 31 अगस्त रखी गई है। साथ में यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगा और फी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम स्ट्रक्चर और फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको यूजी एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए हमें स्क्रॉल अप करना है, उसमें मिलता है ऊपर यूजी एडमिशन का, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको यूजी एडमिशन 2024-25 का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लिक एयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लिक करना होता है। आप देखिए, साथ में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हुई है, जिसमें देखिए कुछ यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो CUT आपका एग्जाम है उसके अब मैंडेटरी नहीं है इस एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ में देखिए, अगर आप BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर एडमिशन लेते हैं या फिर BA प्रोग्राम साइकोलॉजी के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड सीट रखी गई है। अगर BA प्रोग्राम साइकोलॉजी और BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन जो फीस सीट रखी गई है, वो 2000 सीट रखी जाती है एवरी ईयर। तो यहाँ पे जो इन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है, बाकी जो प्रोग्राम है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। साथ में लास्ट डेट रखी गई है 31 अगस्त तक आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि चेंज हो जाती रहती है, डेट एक्सटेंड जरूर होती है। फी प्रोग्राम चेक करने के लिए आप प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से काफ़ी सारी वीडियो बनाई है प्रोग्राम के लिए, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। साथ में बात करते हैं फी रिसिप्ट की। अगर आप पेमेंट करते हैं अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं, तो आपका पेमेंट नहीं होता है तो दोबारा पेमेंट नहीं करना है, आपका पेमेंट वही सक्सेस हो जाएगा तो आपको वेट करना है। अगर आप रिफंड चाहते हैं, यानी आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो आपकी फीस है उसमें से 500 रुपये डिडक्ट करके आपको रिटर्न कर दिया जाता है, अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं लास्ट डेट से पहले पहले। साथ में पेमेंट गेटवे के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं, अगर आपको पेमेंट फेल हो जाता है तो इन पेमेंट गेटवे पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आपका एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए क्लिक करना है हमें क्लिक एयर फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले हमें अपना एक यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। तो आपको एक यूजर नेम, आप अल्फाबेट और न्यूमेरिकल के साथ आप एक यूजर नेम क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम आपको फिल कर देना है, एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर देना है जो कि वर्किंग होना चाहिए, साथ में री एंटर करना है ईमेल एड्रेस। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है आपको, मिनिमम 6 कैरेक्टर का री एंटर करना है आपको पासवर्ड। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है, री एंटर करना है मोबाइल नंबर, जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस देंगे वो वर्किंग होना चाहिए। इसके बाद आपका कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ईमेल एड्रेस पर एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आपको OTP के ऑप्शन में फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए, हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे करना होता है लॉगिन। तो आपको जो रजिस्टर यूजर नेम है, आपको यूजर नेम फिल कर लेना है जो आपने क्रिएट किया था, पासवर्ड फिल कर लेना है अपना, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यूजी के अंदर जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं उसके प्रोग्राम की डिटेल विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको शो करेगा। तो देखिए दोस्तों, यूजी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, साथ में जो जनरल कैटेगरी के पर्सन है, स्टूडेंट है, उनको 45% उनके होने चाहिए 12th के अंदर। SC ST सिर्फ पास होने चाहिए और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को 40.5% उनके 12th में होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, आपके जो प्रोग्राम करना चाहते हैं यूजी के अंदर, इसका एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपको फी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यानी किस कोर्स की, यानी किस प्रोग्राम की कितनी फीस है वो आपके मेंशन होगी। तो यहाँ पे आपको अपनी फी प्रोग्राम की यहाँ पे चेक कर लेनी है, कितनी फी आपको पे करनी है। साथ में देखिए यहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी और पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें अब क्लिक करना है, टर्म्स एक्सेप्ट कर लेना है और फिर सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जो कि डैशबोर्ड का स्टेप रहेगा, जहाँ पे आपको 8 स्टेप में अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो पहला स्टेप रहता है हमें पर्सनल डिटेल का, सेकंड स्टेप रहता है ABC ID क्रिएट करनी है, थर्ड रहता है हमारा एकेडमिक डिटेल का, फोर्थ ऑप्शन मिलता है हमें प्रोग्राम का, फिफ्थ मिलता है कोर्स का, सिक्स मिलता है हमें यहाँ पे अपलोड का, और सेवन मिलता है प्रीव्यू, और आठ मिलता है हमें फीस का। तो हमें यहाँ पे 8 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले स्टेप होता है पर्सनल डिटेल का।
तो सबसे पहले हमें अपना यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फिल करना है। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम ऑप्शन मिलता है, तो आपको अपना फुल नेम हमें फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है स्टूडेंट की, जेंडर क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है, साथ में अगर ऑर्फन यानी अनाथ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करिए। इसके बाद ऑप्शन मिलता है जो फैमिली में जो पेरेंट्स है वो सिंगल पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है अदरवाइज नो करना है। मदर्स का नेम फिल कर देना है, फादर्स का नेम फिल कर देना है, कैटेगरी क्या है आपकी जनरल एससी एसटी, जो भी आप कैटेगरी है सेलेक्ट कर लीजिएगा, जनरल के लिए आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना है। साथ ही ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो मेंशन कर देना है, मैरिटल स्टेटस क्या है सिंगल है या मैरिड है या डाइवोर्स है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपको मेंशन कर देना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट है नहीं हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नो कीजिएगा, यस करते हैं तो डिटेल मेंशन कर देनी है, तो इस ऑप्शन में मैं यहाँ पे नो करता हूँ। मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर स्किप कर दीजिएगा, साथ ही ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा और अल्टरनेट ईमेल को आप स्किप कर दीजिएगा, साथ में आपको इस कोटा वगैरह चाहते हैं तो यस कीजिए, नो कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है नेशनलिटी, जो कि हमें यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आप इम्प्लॉई हैं डीडीसीई होल और एसओएल के तो यहाँ पे आपको यस करना है तो नो करना है, तो सपनों में भी नो करते हैं। नो करने के बाद हमारे सामने क्वेश्चन आता है इम्प्लॉई है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर तो आपको यहाँ पे यस करना है तो नो करना है, तो हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है एड्रेस का, तो आपको एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, सिटी, पिन कोड, स्टेट और रेजिडेंस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है, तो आपको अपना पूरा एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद मिलता है बैंक डिटेल, तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स में सेल्फ या पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। अब बैंक डिटेल क्यों मांगी जाती है, यहाँ पे मान लीजिए आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो आपका पेमेंट रिफंड होता है वो इसी डिटेल के अंदर रिफंड होगा, तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल के अंदर अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन कर देना है, अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, बैंक का नेम क्या है वो मेंशन कर देना है, बैंक का एफएससी कोड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना है, तो आपको अपने यहाँ पे बैंक डिटेल सेल्फ की या फिर पेरेंट्स की ही आपको यहाँ पे फिल करनी है। ऑप्शन मिलता है इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको फैमिली इनकम मेंशन करनी है, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, 1 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है, जो भी फैमिली का इनकम मेंशन करनी है आपको यहाँ पे करनी है। अगर आप 1 लाख से कम मेंशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस हो जाएंगे, अगर कुछ ऑप्शन यहाँ पे अगर 1 लाख से ऊपर आप मेंशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अपनी जो फैमिली की इनकम है वो मेंशन कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 लाख से 4 लाख के बीच में आपको फैमिली इनकम मेंशन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको, देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, अनएम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। साथ में मिलता है अगर जो आप आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स एम्प्लॉई हैं तो आपको यस करना है, नो करना है, तो इस ऑप्शन में यहाँ पे नो रखते हैं। अगर जो आप वार्ड आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स एम्प्लॉई हैं इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पे यस करते हैं या फिर नो करना है, तो आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ में मिलता है डू यू बिलोंग टू लो प्रायोरिटी लाइन, तो देखिए हमने जो फैमिली इनकम सेलेक्ट किया 1 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में सेलेक्ट किया, तो इस ऑप्शन को ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे नो हो गया है। साथ ही फी कंसेशन का ऑप्शन भी हमारा देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो हो गया है। अगर हम यहाँ फैमिली इनकम कम करते हैं लेस देन 1 लाख से, तो इस केस में देखिए जो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डू यू बिलोंग टू बिलो प्रायोरिटी लाइन, ये ऑप्शन आपको येस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर 1 लाख से ऊपर सेलेक्ट तो ये ऑप्शन आपका नो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप येस करना येस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करना होगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट के स्टेप में। साथ ही जो अवेलेबल फी कंसेशन चाहते हैं ये भी ऑप्शन में आपको येस मिलता है नो मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा फैमिली का, जो ये फादर्स का या मदर्स के नेम का, तो यहाँ पे हम अपना फैमिली इनकम जो सेलेक्ट कर लेते हैं 1 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारा ये बिलो प्रायोरिटी लाइन और फी कंसेशन ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारा नो हो जाएगा। साथ में सुनता है नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे नीड चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना, अगर यस करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है फाइनल असिस्टेंस कैटेगरी, जिसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है आप किस कैटेगरी जान जाते हैं, बीपीएल राशन कार्ड है आपके पास, ए वाई राशन कार्ड है, लेबर है, सिंगल पेरेंट सेल्फ डिक्लेरेशन है, वार्ड परमानेंट स्टाफ एसओएल है, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है, साथ में कॉपी ऑफ आईटीआर पेरेंट्स वेदर एप्लीकेबल वार्ड डिपेंडेंट स्टाफ एसओएल, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना होगा, डॉक्यूमेंट इशू डेट मेंशन करना होगा। तो अगर आपको नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऑप्शन को आप यस करते हैं तो ये डिटेल आपको देनी होगी, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप नो करेंगे तो डिटेल आपकी गायब हो जाएगी। अब साथ ही यहाँ पे आपको कुछ मिसलेनियस डिटेल आपको फिल करनी होती है, अगर स्टूडेंट को कंप्यूटर की नॉलेज है तो यहाँ पे यस कीजिए दर नो कीजिएगा, अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए दर नो कीजिएगा, अगर कंप्यूटर है आपके घर पे तो यस कीजिए दर नो कीजिए, मिली 3 ऑप्शन आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए होते हैं। साथ में सुनता है कोर्स स्ट्रीम, आपकी 12th में क्या स्ट्रीम थी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में सुनता है आपको प्रेफरेंस मिलता है स्टडी मटेरियल का, तो आपको स्टडी मटेरियल किस फॉर्मेट में चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपको एसओएल के नॉर्थ कैंपस है जो भी आपका कैंपस जहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल रिसीव होगा वो आपको अपॉइंटमेंट के अंदर मेंशन किया जाएगा,
तो आपको हार्ड कॉपी ही लेके आनी होगी, यानी अपनी बुक्स लेके आनी होगी। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आपकी जो फीस में से 400 रुपये आपका लेस कर दिया जाएगा। अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपको 400 रुपये जो फीस है आपकी टोटल फीस होती है उसमें ऐड किया जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से अपना यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें मिलता है अवेलेबल बुक फैसिलिटी, अगर आप बुक फैसिलिटी बैंक फैसिलिटी चाहिए आपको तो आपको यहाँ पे यस करना है, जो नो करना है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। साथ में बोलता है क्लास टाइप प्रेफर्ड, तो आप किस टाइप की क्लास लेना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑफलाइन यानी कॉलेज में जाके आपको स्टडी करनी है तो आप यहाँ पे ऑफलाइन सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं ऑफलाइन सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे प्रोग्राम की डिटेल यानी जो पर्सनल डिटेल है वो हमारे सामने शो हो जाएगी, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई डिटेल यहाँ पे इनकरेक्ट आपने फिल कर दी है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहता है हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ रेडी, जो कि ABC आईडी हमें यहाँ पे अपनी लिंक करनी होती है। अगर आपने पहले ABC आईडी 12th के अंदर बनाई हुई है तो आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं डिजी लॉकर से। अदरवाइज आपने अभी तक ABC आईडी क्रिएट नहीं की है तो अब आपको यहाँ पे ABC आईडी क्रिएट करके उसको लिंक करना होता है। तो अब कैसे आपको ABC आईडी क्रिएट करनी है, कैसे उसको लिंक करना है, तो यहाँ पे देखें हमें ABC आईडी क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होती है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जिसपे OTP आ जाए। तो यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन मिलता है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द स्टेप मेंशन अबाउ, इसके सामने आपको टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू लिंक या फिर क्रिएट योर ABC अकाउंट, इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको साइन इन का ऑप्शन मिलता है या फिर साइन अप का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने पहले ABC आईडी अपना क्रिएट किया हुआ है तो डायरेक्ट साइन इन कर लीजिएगा, अदरवाइज अब तक नहीं किया है तो आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन क्लिक करते ही देखिए आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड की 12-digit नंबर आपको मेंशन कर देना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके आधार के साथ अटैच जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आपको OTP के ऑप्शन में फिल कर लेना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको 6-digit का एक पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको कोई भी 6-digit का अपना एक पिन याद रख लेना है जिससे आप डिजी लॉकर के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे पूछा जाता है आपको कौन से डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड के ऑप्शन को टिक कर लेना है और बाकी ऑप्शन को यहाँ पे आपको स्किप कर देना है और फिर पर्पज के ऑप्शन में आपको मेंशन कर लेना है जो कि आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो इसके बाद अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करते ही हमारा देखिए ABC अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और देखिए ABC अकाउंट नंबर आपको शो करेगा और आपकी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। तो आपको ABC अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेना है। तो आपका यहाँ पे ABC अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट के ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आप क्लास 12th की आपको डिटेल देनी होती है। तो आपने क्लास 12th किस बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से, NIOS बोर्ड से या फिर अदर बोर्ड से, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है आपको अपने यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करना है 12th का, साथ में आपका जो पासिंग ईयर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपको 12th की डिटेल दोबारा से देनी होती है, जिसमें देखिए अगर आपका CBSE बोर्ड है या NIOS बोर्ड तो आपका सेलेक्ट है सेलेक्ट रहेगा, अगर आपने अदर सेलेक्ट किया है तो आपको अपने यहाँ पे CBSE बोर्ड या जो भी बोर्ड आपका UP बोर्ड है जो भी बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है रिजल्ट स्टेटस, जो कि आपका पास शो करेगा, यहाँ पे शो के सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में आपको अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है 12th का। साथ ही ऑप्शन मिलता है स्कूल कोड और सेंटर कोड का, जो कि ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं डिटेल। साथ में मिलता है सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जाम्स, 12th में आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट थे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, टोटल मार्क्स जो कि 100 रहता है और कितने आपने ऑप्टेन किया वो आपको मेंशन कर देना है। तो आपके जो सब्जेक्ट थे 12th के अंदर, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, आपकी स्ट्रीम के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं जो कि मार्कशीट में आपके अवेलेबल होंगे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपके मेंशन कर देने हैं, तो वन बाई वन करके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम की डिटेल देने के बाद 12th की ऑप्शन स्क्रॉल करते हैं, उसमें मिलता है क्लास 10th की डिटेल हमें फिल करनी होती है। तो क्लास 10th आपने किस ईयर में पास किया है वो मेंशन कर देना है। टाइप ऑफ स्कूल क्या है आपका, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय स्कूल था, जवाहर नवोदय स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, जो भी आपका टाइप ऑफ स्कूल था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यानी किस स्टेट से आपने 10th पास किए वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नेम क्या है आपका, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया उसका नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यानी जिस स्कूल से, यानी 10th आपने किसी स्कूल से पास किया उसका नेम मेंशन कर देना है, उसका एड्रेस मेंशन कर देना है जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल होगा। साथ ही आपको अपने 10th का रोल नंबर मेंशन कर देना है। ऑप्शन मिलता है रिजल्ट मोड का, आपका रिजल्ट किस बेस में आया है, परसेंटेज में आया है, ग्रेड में आया। अगर ग्रेड में आया तो आपको अपना ग्रेड मेंशन कर, इसमें मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट हमारे 10 रहते हैं और CGPA ग्रेड कितने किया आपने वो आपको मेंशन कर देना है।
साथ में बोलता है अगर आपका रिजल्ट 10th का परसेंटेज में है तो परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑप्टेन आप कितने किए हैं वो आपको मेंशन कर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। बात करते हैं अगर आपका ग्रेड में रिजल्ट आया तो ग्रेड सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट में आपको 10 सेलेक्ट करना है और सीजीपीए पे ग्रुप 10 कितने किया है आपने, कितना ग्रेड आपने ऑप्टेन किया है वो आपको मेंशन कर देना है। जैसे 8 किया है तो 8 मेंशन करना है, 9 है तो 9 मेंशन करना है। बात करते हैं सीजीपीए इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको कैसे फाइंड करनी है, जो आपका ग्रेड आता है उसमें आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देनी है जो आपकी परसेंटेज होगी आपके यहाँ पे एड आपको मेंशन कर देनी है। सबसे मिलता है एडिशनल डिटेल का, देखिए दोस्तों आपको सुनता है नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंड यानी 12th आपने किस स्कूल से अटेंड किया है वो आपको स्कूल का नेम आपको मेंशन कर देना है। स्कूल लोकेशन क्या है, एनसीटी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के एनसीआर के अंदर गए हैं या फिर अदर स्टेट से क्या है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। साथ ही मीडियम स्टडी यानी 12th आपने किस मीडियम से स्टडी की है, हिंदी इंग्लिश या अदर, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है जो हिंदी लैंग्वेज है आपने किस क्लास तक आपने स्टडी की है अप टू क्लास 12th या फिर किस क्लास तक आपने स्टडी की है वो आपको मेंशन कर दीजिएगा। ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जो स्टडी ऑफ दीज लैंग्वेज की आपको डिटेल फिल करनी होती है, आपने इंग्लिश किस क्लास तक आपने स्टडी की है, आपने हिस्ट्री की है या नहीं की है तो आपको यहाँ पे यस करना है या नो करना है। अगर आपने यस किया है तो किस क्लास तक आपने इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में मतलब बंगाली, उसमें तमिल, तेलुगु, पंजाबी अगर आपने ये लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको यस करना है तो नो के ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है मैथमेटिक्स का, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो यहाँ पे यस कीजिए, किस क्लास तक पढ़ी है वो आपको मेंशन कर देना है। क्लास मेंशन करने के बाद हमें सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन क्लिक करते ही हमारी एकेडमिक डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगी जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे स्टेप 4 पे जो कि रहेगा हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन का स्टेप। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो यूजी के ऑल प्रोग्राम की डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी, साथ में एलिजिबिलिटी दिखाई देगी इसके सामने। अगर आप एलिजिबल हैं उस प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म को फिल करने का तो शो करेगा एलिजिबल, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है तो कुछ और यहाँ पे शो करेगा अनएलिजिबल और रीजन मेंशन होगा आपको यहाँ पे कि एलिजिबल क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर आपने 12th मैथ से की हुई है तो आप यूजी के एवरी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आपको यूजी के ऑल प्रोग्राम शो करेंगे, एक बार डिटेल चेक कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है स्कूल करने के बाद प्रोग्राम का, तो आपको यूजी के अंदर कौन सा प्रोग्राम करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आप एलिजिबल है वही प्रोग्राम आपको यहाँ पे शो करेंगे। जैसे बीए बीकॉम बीए हॉनर्स बीकॉम हॉनर्स, साथ में बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी, बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो भी आपको प्रोग्राम करना है इसका एडमिशन फॉर्म फिल करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलता है, किस मीडियम में आपको स्टडी करनी है, इंग्लिश या हिंदी, वो आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मीडियम सेलेक्ट करने के बाद मिलता है जो आपको यहाँ पे रीजन कोड ऑफ एडमिशन सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे चार रीजन देखने को मिलते हैं हमें, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो जो भी रीजन के अंदर आपको एडमिशन लेना है वो रीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, वही यहाँ पर रीजनल सेंटर रहेगा। तो यहाँ पे हमें अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी कोर्स की डिटेल हमें शो कर जाएगी। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि रहेगा कोर्स सिलेक्शन का स्टेप। तो आपने जो भी प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसकी यहाँ पे आपको प्रोग्राम की डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए दोस्तों अभी जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम शो कर रहा है, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा था बीए प्रोग्राम विद पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे देखिए हमें सेमेस्टर शो कर रहा है, अभी हमें सेमेस्टर 1 ही शो कर रहा है, जल्दी आपका सेमेस्टर 2 का ऑप्शन भी देखने को हमें मिलेगा। यानी दोनों सेमेस्टर के आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक किया था अभी। सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे आप, टोटल 22 क्रेडिट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप कोई अदर कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अभी वेट करना है, अभी शायद हो सकता है यहाँ पे अपडेट चल रही है, आज ही हमारा एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। तो जल्दी ही जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी तक हमारा कोर्स जो 5 स्टेप है उस पे ही हमारा यहाँ पे एडमिशन फॉर्म अभी फिल नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट स्टेप हमारा नहीं हो पा रहा है। जब हम एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और सबमिट क्लिक करते हैं तो हमें एरर शो करता है कि जो हमारे क्रेडिट हैं वो 0 सेलेक्ट है, लेकिन क्रेडिट हमें 22 या 44 सेलेक्ट करने होते हैं लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हमने कोई डबल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, जब ये एरर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप अपना नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी आपको अपना वेट करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, जब अपडेट हो जाएगा वेबसाइट के अंदर तो आप नेक्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर सकते हैं।